मुंबई के कांदिवली इलाके में बिट चौकी का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसीपी सुहास बेले, भाजपा विधायक अतुल भातखलकर, समता नगर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। इस बीट चौकी का निर्माण कार्य राजस्थानी मेवाड़ प्रवासी संघ द्वारा किया गया है, ताकि इस क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाई जा सके। में यहाँ चौकी होनी चाहिए, इसी यहाँ के व्यापारी वर्ग, बाकी के नागरिक, साथ में रिक्शा व यूनियन के लोग, इन सभी की बहुत बरसों से ये मांग थी और इसके लिए हम सभी ने मिलकर ये सोचा कि यहाँ एक बीट चौकी की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि राजस्थान प्रवासी मेवाड़ प्रवासी संघ ने इसके लिए जोर लगाया और साथ में समता नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर यादव जी और नवनियुक्त इस विभाग के एसीपी वेड़े साहब, इन दोनों ने भी हमारा हौसला बढ़ाया। इसलिए प्रवासी मेवाड़ प्रवासी संघ को और इन दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि नागरिक और पुलिस यदि एक आकर काम करेंगे तो क्या हो सकता है, उसका एक साक्षात अच्छा उदाहरण है। और ये बीट चौकी के बाद मुझे लगता है कि यहाँ जो भी पहले मॉलेस्टेशन थोड़ा भर चलता था, बाकी थेफ्ट का विषय था, उसमें काफ़ी इसमें कंट्रोल आ जाएगा, इस प्रकार का विश्वास मुझे है। सुबह शाम को यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में भीड़ होती है, आने जाने के लोगों को तकलीफ होता है। यहाँ पे पुलिस आने के बाद यहाँ थोड़ा भीड़ भी कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ भी पॉकेटिंग मॉलेस्टेशन जैसा जो यहाँ पे थोड़ा बहुत होना होता था उसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ से ट्रैफिक व्यवस्था भी सरल होगी। कांदिवली की प्रजा को यह आवश्यकता स्टेशन के पास और उन्होंने को जो बीट चौकी और पुलिस की जो राजस्थान प्रवासी संघ ने बनाई और यहाँ का पुलिस का दायित्व है कि यहाँ की सुरक्षा करना और पब्लिक को साथ देना, ये दोनों का है। बाकी पब्लिक स्टेशन बाजू में होने से पॉकेट मार वगैरह ज्यादा हो गया, पुलिस का होगा तो कम होगा। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक म्हणून आम्हाला खरोखरच आनंद झालेला आहे। सर्व पोलीस ठाण्याच्या वतीने मी आमदार साहेबांचे आणि राजस्थानी मेवाड प्रवासी संघाचे आभार मानतो। मुंबईमधील प्रत्येक रेल्वे स्टेशन हे व्हायटल इन्स्टॉलेशन आहे। टेररिझम तसेच इतर छोटे छोटे गुन्हे वगैरे होतात, मतलब पिक पॉकेटिंग वगैरह, उससे ये थोड़ा अभी इसके ऊपर ये हो जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा ऐसा मुझे लगता है। इस तरह से और चौकियां बने, इस तरह से कैसा प्रयास करेंगे आपके एरिया में? अभी वो तो हमने अभी आमदार साहब से बात किया है, प्रयास करना अभी आमदार साहब के ऊपर है क्योंकि हाईवे के ऊपर का मैं अभी बोला सबको कि ऐसा ऐसा ये जो पोटा केबिन्स है उसके लिए कुछ जरूरत नहीं रहती, वो जहां रखी जाती है वहां काम शुरू हो सकता है दूसरे दिन। धन्यवाद। राजस्थान प्रवासी ने कितने ही काम किए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि ये बीट चौकी बना के देने में हमें जितनी खुशी हुई, इस प्रोग्राम को करने में बीट चौकी बना के देने में जो खुशी हुई, हम अनेक सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे आज जो प्रोग्राम मुकेशजी बामे जाने ये बीट चौकी कर दिया उससे पूरा समस्त राजस्थान मेवाड़ परिसंघ खुशी से गदगद हो गया।